हफीम की जाती, वहां से तस्करी होती शुरू, वहां से स्मगलिंग होती है और वहां से ये जो हफीम है और गांजा है और चरस इन चीजों का बेचना शुरू हो जाता है, लीकेजेस शुरू हो जाती है, स्मगलिंग हो रही ड्रग्स की, इसमें मार्केट में ये फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए सरकार इंप्लीमेंट करे कानून को। सही फरमाया, ड्रग्स और नशा एक बहुत बड़ा कारण है जो कि इस तरफ बच्चों को धकेलता है, अपराध की तरफ धकेलता है, लेकिन समाज खुद भी उन्हें इस अपराध की तरफ धकेल रहा है। बच्चे ही समाज बनाएंगे और अगर बच्चे इस तरह से अपराधों की तरफ जाएंगे तो समाज का क्या होगा, ये हम सोच सकते हैं। और कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत सबसे पहले अपने आप से, अपने घर परिवार से ही होती है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर अगले हफ्ते मुलाकात आपसे करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।